दोस्तों डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो को एनिमेटेड मूवी का पावर हाउस माना जाता है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट डिज्नी एनिमेटेड मूवीज के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों डिज्नी स्टूडियो बहुत सारे एनिमेटेड मूवीज को बना चुका है। डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो को छोड़ के और भी स्टूडियो सक्सेस हुए हैं, जैसे कि वन ऑफ द 10, लेकिन एनिमेटेड मूवी के मामले में डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो हमेशा से ही आगे रहा है। डिज्नी स्टूडियो का सबसे पहला एनिमेशन मूवी स्नो व्हाइट ही था, जो कि दोस्तों 1937 में रिलीज किया गया था। और आपको ये भी पता होगा कि डिज्नी का मिकी माउस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था। इसके साथ ही साथ डिज्नी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी ब्रांड भी है, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड कंपनी के मूवीज के बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। तो दोस्तों चलिए डिज्नी के सभी एनिमेटेड मूवीज में से टॉप 10 बेस्ट डिज्नी एनिमेटेड मूवीज के बारे में बात करते हैं। नंबर 10 मुलान। दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो ये मूवी डिज्नी के तरफ से ट्रायल बेसिक पे छोड़ा गया था और ये सक्सेसफुल भी हुआ था। इसमें बहुत ही अच्छा म्यूजिक को ऐड किया गया था और साथ में अच्छा खासा इमोशन वाला स्टोरी लाइन भी है। ये मूवी में पूरे ग्लोबल ऑडियंस को एंशियंट चाइनीज लेजेंड हुआ मुलान के बारे में दिखाया गया था। इसके साथ ही साथ इसमें मुशू को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि दोस्तों बहुत ही फास्ट बोलता है। ओवरऑल इसका स्टोरी थोड़ा इमोशनल टाइप का है। इसके अलावा 2020 में मुलान का लाइव एक्शन मूवी आने वाला है। अब इस नंबर 9 पे आता है बम्बी। दोस्तों ये मूवी का वो सीन बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होता है जब बम्बी अपने मॉम को खो देता है। बम्बी हमेशा मस्ती में ही रहता है और साथ में ये बहुत ही ज्यादा स्वीट भी है, लेकिन कभी कभी ये सैड वाले मूड में भी रहता है। अगर देखा जाए तो बम्बी 1942 में रिलीज हुआ था और उस समय डिज्नी का ये मूवी बहुत ही परफेक्ट था। अगर हम यहाँ पे ऑनेस्टली देखें तो पूरा परफेक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन परफेक्ट के बहुत ही करीब था। ओवरऑल देखा जाए तो एक जंगल में एक हिरन बड़े होने का कहानी है। अभी सुमर 8 पे आता है मोहन्ना। दोस्तों ये मूवी 2016 में रिलीज हुआ था। ये मूवी में एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट यंग वोमेन के ऊपर फोकस किया गया था। ये मूवी का परफॉर्मेंस बॉक्स ऑफिस में बहुत ही अच्छा था। अगर इसका हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का देखें तो ये मूवी टोटल 640 मिलियन डॉलर का बिजनेस कर चुका था। ये मूवी को पोलिनेशियन मैथोलॉजी की स्टोरी के ऊपर बेस करके बनाया गया था और साथ में इस मूवी के दौरान हमें मोआना का एपिक जर्नी भी देखने को मिल जाता है। अभी तो नंबर 7 पे आता है बिग हीरो 6। फिकर मत करना, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये एनिमेटेड मूवी को मार्वल कॉमिक के बिग हीरो 6 से इंस्पायर करके बनाया गया था। इस मूवी में हमें हीरो हिमाडा नाम का एक मेन प्रोटैगनिस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों रोबोटिक एक्सपर्ट भी होता है और साथ में बायोमैक्स का हेल्थ केयर वाला साथी भी रहता है। इसके अलावा बाकी की टीम को भी बहुत ही फैंटास्टिक कैरेक्टर बनाया गया था। एक तरफ से देखा जाए तो ये एक परफेक्ट मूवी हो सकता है। ओवरऑल नोटिस करें तो ये मूवी में हीरो हिमाडा और बायोमैक्स के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड होता है। अभी नंबर 6 पे आता है टैंगल्ड। दोस्तों ये मूवी फेयरी टेल्स रैपुंसल के ऊपर बेस्ड है। ये मूवी इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि दोस्तों इसका एनिमेशन बहुत ही गजब का था, खास करके रैपुंसल के हेयर का एनिमेशन। आप विश्वास नहीं करेंगे, इस मूवी में रैपुंसल का हेयर करीब करीब 70 फीट लंबा होता है। इसमें हमें रैपुंसल का लाइफ का बहुत ही अच्छा और एक्साइटिंग जर्नी भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल ऑनेस्टली देखा जाए तो टैंगल मूवी का एनिमेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अभी नंबर 5 पे आता है द लिटिल मरमेड। दोस्तों ये मूवी 80s और 90s के बच्चों के लिए बहुत ही खास था और ये मूवी देखने में भी बहुत ही अच्छा था। इसमें 16 साल की हिम्मत वाली एक मरमेड रहती है जिसका नाम एरियल होता है। यहाँ पर दोस्तों मरमेड एक तरह के मिथिकल सी क्रिएचर होते हैं जिनके पीछे से मछली जैसा पूंछ निकला हुआ होता है। एरियल एक ह्यूमन प्रिंस के प्यार में आ जाती है और इसके लिए एरियल उर्सुला से 3 दिन के लिए ह्यूमन बनने का डील भी की थी, लेकिन दोस्तों ये सक्सेसफुल साबित नहीं होता है। ओवरऑल चाहे कुछ भी हो, ये मूवी डिज्नी के लिए एक परफेक्ट मूवी था। अभी इस मूवी 4 पे आता है फ्रोजन। दोस्तों फ्रोजन मूवी का ग्लोबल इंपैक्ट और पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा हुआ था। ये मूवी कुल मिला के 1.2 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और इसके साथ ही साथ एल्सा, अन्ना और ओलाफ कई लोगों के लिए फेवरेट कैरेक्टर बन चुके थे। जिस समय में ये रिलीज हुआ तब ये बहुत ही बड़ा शो बन चुका था। इसके पॉपुलैरिटी की वजह से फ्रोजन 2 भी नवंबर 2019 में रिलीज होने वाला है। लास्टली इस मूवी का लेट इट गो सॉन्ग डिज्नी का सभी ग्रेटेस्ट सॉन्ग में से एक माना जाता है। अब इस नंबर 3 पे आता है ब्यूटी एंड द बीस्ट।
डिज्नी इनवाइट यू टू एक्सपीरियंस द स्टोरी। दोस्तों ये मूवी को बेस्ट सॉन्ग के लिए 3 एकेडमिक अवार्ड में नॉमिनेशन मिल चुका है। ये मूवी का स्टोरी का स्टाइल कुछ अलग ही तरह से था, जो कि एनिमेशन में पहले कभी नहीं हुआ था। ये पहला ऐसा एनिमेटेड मूवी था जिसको कि बेस्ट पिक्चर एंड एकेडमिक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। ये मूवी में शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा एक्सीलेंट तरीके से काम किया गया था। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें हमें एक ट्रू लव स्टोरी भी देखने को मिल जाता है, और ये जिस मूवी को थोड़ा रोमांटिक भी बनाता है। और लास्टली इसका लाइव एक्शन मूवी भी आया था जिसमें इमा वॉटसन को स्टार कास्ट किया गया था। अब इस नंबर 2 पे आता है अलादीन। दोस्तों ये मूवी में हमें सब कुछ देखने को मिल जाता है, जैसे कि फनी कैरेक्टर्स, एक डेंजरस विलन और रोमांस भी, यानी हम इसको एक ओवरऑल पैकेज भी कह सकते हैं। और तो दोस्तों हम जीनी को भी कैसे भूल सकते हैं। जीनी का कैरेक्टर बहुत ही मजेदार होता है और जीनी का वॉइस परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ओवरऑल दोस्तों ये मूवी इतना अच्छा था कि इसका लाइव एक्शन मूवी भी रिलीज हो चुका है। और अगर आप डायहार्ड फैन हो अलादीन के, तो आपको बताने का कोई जरूरत नहीं है कि ये मूवी कितना ऑसम था। फाइनली दोस्तों भी नंबर 1 पे आता है द लायन किंग। दोस्तों ये मूवी एक आउटस्टैंडिंग मूवी है जिसमें बहुत ही परफेक्ट कैरेक्टर को लाया गया था। यहाँ पर ये मूवी 8 बिलियन डॉलर का कलेक्शन भी किया था, जो कि हद से ज्यादा होता है कोई भी एनिमेटेड मूवीज के लिए। यहाँ पर द लायन किंग का एक नया लाइव एक्शन मूवी भी आने वाला है, जो कि दोस्तों जुलाई 2019 में रिलीज होने वाला है। और ऑनेस्टली बोला जाए तो ये बहुत ही ऑसम होने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो ये एनिमेटेड मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छा और एक्सेलेंट मूवी था। तो दोस्तों यही था टॉप 10 बेस्ट डिज्नी एनिमेटेड मूवीज के बारे में। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सा मूवी आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कॉन्टेंट पहुँचाते रहेंगे। तो दोस्तों हम उससे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोज में।